पहले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कस्टमाइज लेबल डायलॉग बॉक्स में शामिल है। कस्टमाइज लेबल डायलॉग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ लेबल साइज, मार्जिन, गटर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी। कस्टमाइज लेबल डायलॉग बॉक्स में तीनों ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेबल साइज भी होता है, मार्जिन भी होता है, गटर्स भी होता है। ये कहाँ पर होता है? तो जब हम कोरल ड्रा में यदि लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस ऑप्शन का जो है यूज़ हमको देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए हमको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेबल बनाने के लिए एक ऑप्शन होता है, लेबल बनाने के लिए ऑप्शन, ये लेबल दिया गया है। यहाँ पर कुछ लेबल के नाम प्री डिफाइंड दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लेबल को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो लेबल में सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ से हम लेबल को चुन भी सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं वैसे लेबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बनी हुई डिज़ाइन सेलेक्ट करना या कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज में जाएंगे और ये कस्टमाइज वाला अभी दिया गया ऑप्शन कि इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, लेबल साइज, मार्जिन और गटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हम लेबल की साइज को चेंज कर सकते हैं, हाइट और विड्थ के अनुसार उसकी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, लेबल के मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, उसकी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, लेबल के बीच में जो स्पेस छूटा रहेगा गटर मार्जिन जिसको बोलेंगे उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी यूनिट चेंज की जा सकती है। लेबल के कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स में लेबल साइज भी होता है, मार्जिन भी होता है और गटर ऑप्शन भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकग्राउंड विंडो में रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन इन बैकग्राउंड विंडो, नो बैकग्राउंड, सॉलिड बिटमैप, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो रेडियो बटन इन बैकग्राउंड विंडो में, बैकग्राउंड विंडो में रेडियो बटन, तीनों रेडियो बटन होती हैं, नो बैकग्राउंड ऑप्शन भी होता है, सॉलिड भी होता है और बिटमैप भी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ये रहा बैकग्राउंड ऑप्शन, ये देखिए नो बैकग्राउंड सेलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमें जो कोरल ड्रा में जिस पेज में हम वर्क करते हैं उस पेज में कोई भी बैकग्राउंड कलर दिखाई नहीं देता। सॉलिड में हम क्लिक करके कोई भी कलर जो है जैसे हम ओके करेंगे ये देखिए सॉलिड कलर ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग बैकग्राउंड जो है चुन सकते हैं, जैसे नो बैकग्राउंड ऑप्शन भी है, सॉलिड भी है और बिट मैप ऑप्शन भी दिया गया है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तीन ऑप्शन होते हैं बैकग्राउंड विंडो में। बैकग्राउंड विंडो में शामिल है, बैकग्राउंड विंडो कंसिस्ट ऑफ सोर्स, बिट मैप साइज, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर है डी। बैकग्राउंड विंडो में तीनों ऑप्शन होते हैं, सोर्स भी होता है, बिट मैप साइज भी होता है, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड भी होता है। चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर दिखाई देंगे। ये ऑप्शन हमको मिलेंगे और टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये सोर्स ऑप्शन दिया गया है, बिट मैप की साइज का ऑप्शन दिया गया है और प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन दिए गए हमको, सोर्स ऑप्शन भी, बिट मैप ऑप्शन भी, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो तीनों ऑप्शन इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेयर से क्या आशय है, व्हाट डज लेयर मीन। ऑब्जेक्ट को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रयोग होने वाला पारदर्शी या दृश्य पेंस, पारदर्शी या दृश्य पेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, पारदर्शी या अदृश्य पेंस, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रयोग होने वाला पारदर्शी या दृश्य पेंस, पारदर्शी या दृश्य पेंस, ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए हम लेयर के बारे में समझ लेते हैं। आप जो भी यहाँ पेज में वर्क करते हैं अगर आप लेयर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है आपको लेयर ओपन करना पड़ेगा। लेयर ओपन करने के लिए विंडो में जाएंगे, डॉकर में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर को ओपन करेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर को ओपन करेंगे ये लेयर से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। देखिए अभी हम जितने पेज में वर्क कर रहे हैं वो पेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक होता है मास्टर पेज। मास्टर पेज में गाइड्स में जो भी हम यहाँ पर गाइड जोड़ते हैं वो गाइड्स में दिखाई देगी। देखिए जैसे हम यहाँ पर अगर गाइड जोड़ेंगे तो तुरंत वो कहाँ पर जुड़ जाएंगी, वो हमको मास्टर पेज के गाइड में दिखाई देगी। क्यों मास्टर पेज के गाइड में, क्योंकि यही गाइड और भी पेजेस में इसी प्रकार से दिखाई देती हैं। अभी जैसे यहाँ पर पेज वन जुड़ा हुआ है और पेज जोड़ेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए दूसरे पेज में आ गए, तीसरे पेज में आ गए, ऐसे करके हम और भी पेजेस जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गाइड हमको तीनों पेजेस में दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से
ये डेस्कटॉप से क्या मतलब है? डेस्कटॉप से मतलब है कि जो भी चीज़ें हम इस पेज के बाहर रखते हैं, देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये हमको किसमें दिखाई देगा? ये हमको दिखाई देगा जो है डेस्कटॉप के अंतर्गत, ये हमको दिखाई देगा। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? डेस्कटॉप के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से ग्रिड के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? जब भी हम इसमें जाकर के व्यू में जाके ग्रिड में क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रिड ऑप्शन है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, आप ग्रिड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रिड का हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से इंडिविजुअल भी हम कर सकते हैं, ये हम इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मास्टर पेज की हैं। जो भी हम चीज़ें सभी में देखते हैं वो मास्टर पेज में दिखाई देती हैं। हम चाहते हैं अभी यहाँ से हटाना इसको, तो गाइडलाइन को हटा देते हैं, ग्रिड को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मास्टर पेज का और भी यूज़ हम आगे देखेंगे। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर, अभी हमारे पास कितने पेज हैं? तीन पेज हैं, पेज वन है, पेज टू है, पेज थ्री है। ठीक, तो अभी हमारे पेज वन में कितनी लेयर है? लेयर वन में बाय डिफॉल्ट हर एक पेज में एक एक लेयर होती है। अब मान लीजिए हम पेज वन में जाते हैं, पेज वन में हमारी लेयर वन को सिलेक्ट करते हैं और कोई भी चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए हमने लेयर वन को सिलेक्ट किया था तो ये लेयर वन में आ गई। फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, ये भी लेयर वन में आ गई। इस तरीके से हमारी पेज वन में एक लेयर है और उस लेयर के अंदर हमारे दो इलिप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर और हम लेयर जोड़ना चाहते तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नई लेयर जोड़ने के लिए इस न्यू लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये दूसरी लेयर जुड़ गई। अब यदि हम दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह भी लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो किस लेयर में आ रहा है? लेयर टू में आ रहा है। अगर हम फिर से ये लेयर टू ही सिलेक्ट है और हम स्टार शेप लेते हैं, इसको रखते हैं, तो किस लेयर में आ रहा है? ये लेयर टू में आ रहा है। ये सारी जानकारी कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया वो किस लेयर में कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर नीचे दिखाई देगी। ये देखिए, इलिप्स ऑन डेस्कटॉप, इलिप्स किस में रखा हुआ है? डेस्कटॉप में। ठीक है, ये देखिए, रेक्टेंगल ऑन डेस्कटॉप, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इलिप्स ऑन लेयर वन। ठीक है, ये इलिप्स ऑन लेयर वन, लेयर वन के अंदर इलिप्स रखा है। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल ऑन लेयर वन, रिएक्टेंगल ऑन लेयर वन में रखा। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, परफेक्ट शेप ऑन लेयर टू, ये लेयर टू में रखा हुआ है। इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग लेयर में रख करके और बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम अलग अलग लेयर में रख के उन लेयर को सिलेक्ट करके उसमें अलग अलग हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए लेयर का इस्तेमाल किया जाता है इमेज को जो है प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट आप इसमें इस्तेमाल करते हैं उसको प्रभावशाली ढंग से अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। या पारदर्शी अदृश्य पेन, पारदर्शी होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती कि हम किस लेयर में वर्क कर रहे हैं, वो लेयर के नाम बस यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। ग्लोबर लेयर को किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर लेयर, सिंपल लेयर, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। आंसर है ये मास्टर लेयर। तो यहाँ पर जो हमने आपको मास्टर पेज के बारे में बताया यही मास्टर मास्टर पेज कहलाता है। ये इसी तरीके से आपकी जो एक लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करने पे हमारी एक न्यू मास्टर लेयर जो है जुड़ जाएगी। ठीक, ये मास्टर लेयर जुड़ गई जिसमें हम जो भी चीज़ रखेंगे वो सभी लेयर में हमारी दिखाई देगी। तो एक होती है हमारी कौन सी लेयर? मास्टर लेयर, और एक होता है हमारा मास्टर पेज, और एक होती है हमारी नॉर्मल लेयर। तो मास्टर पेज सिंपल लेयर यहाँ से जुड़ती है, मास्टर लेयर यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो मास्टर लेयर को हम ग्लोबल लेयर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लेयर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लेयर? गाइड्स, डेस्कटॉप, ग्रिड, ऑल ऑफ द अबव। तो मास्टर पेज के अंतर्गत देखा हमने तीनों प्रकार होते हैं। हमने आपको इसका यूज़ भी बताया कि मास्टर पेज के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं आपकी। मास्टर पेज के अंतर्गत आता है आपका गाइड्स भी, जो भी आपने गाइड्स लगाई हुई हैं वो यहाँ दिखाई देंगी, और जो भी आपने डेस्कटॉप में रखा हुआ है, देखिए डेस्कटॉप में हमने एलिप्स और रेक्टेंगल रखा वो यहाँ दिखाई देगा, और जो भी अगर आपने ग्रिड लगाया हुआ है तो वो ग्रिड में दिखाई देगा। इसलिए तीनों प्रकार होते हैं हमारे मास्टर पेज के, गाइड्स भी, डेस्कटॉप भी, ग्रिड भी। इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। गाइड्स लेयर धारण करती है सभी पृष्ठों पर प्रयोग किए जाने वाली गाइडलाइन, पेज के बॉर्डर के बाहर स्थित ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट में सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली ग्रिड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली गाइडलाइन गाइड्स लेयर पर होती है। तो ये देख सकते हैं आप गाइड्स लेयर में क्या होती है, जो भी हमने गाइड रखी हुई थी वो यहाँ दिखाई देती है, अभी हमने डिलीट कर दी इसलिए हाइड हो गई है, लगी हुई है, लेकिन हम यहाँ से जाकर के जैसे इसको व्यू करेंगे तब ये जो है एक्टिव हो जाएगी।
तो फिर से जाकर के इसको हम हाइड कर देंगे, जो एक्टिविटी वो हट जाएगी। इस तरीके से जो गाइड लेयर होती है वो गाइडलाइन को रखती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेस्कटॉप लेयर, ये आंसर इसका ये था, हमने बता दिया, डेस्कटॉप लेयर धारण करती है, डेस्कटॉप लेयर कंटेंट सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली गाइडलाइंस, पेज के बॉर्डर के बाहर स्थित ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट में सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली ग्रिड। इसका आंसर है बी, पेज के बॉर्डर के बाहर स्थित ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम पेज के बाहर रखते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हम पेज के बाहर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पर दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट हमको डेस्कटॉप में दिखाई देता है। तो ये मास्टर पेज के अंतर्गत डेस्कटॉप लेयर होती है। जो भी आप बाहर रखेंगे वो किसके अंतर्गत आता है, डेस्कटॉप लेयर के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, पेज के बॉर्डर के बाहर स्थित ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये पेज का बॉर्डर है, पेज के बाहर स्थित जो भी ऑब्जेक्ट है वो डेस्कटॉप लेयर के अंतर्गत दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रिड लेयर धारण करती है, ग्रिड लेयर कंटेंस सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली गाइडलाइंस, पेज के बॉर्डर के बाहर स्थित ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट में सभी पृष्ठों पर प्रयोग की जाने वाली ग्रिड। यहाँ पर इसका आंसर है, डॉक्यूमेंट में जो हम ग्रिड इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था, ये ग्रिड आपको कहाँ पर दिखाई देगी, ये ग्रिड जो है हमको दिखाएगी, ये ग्रिड के अंतर्गत ये ग्रिड आती है। यहाँ से अगर हम कलर वगैरह चेंज करेंगे तो ग्रिड में भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अभी हम ग्रिड को हाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से मास्टर पेज धारण करता है, गाइड्स लेयर, डेस्कटॉप लेयर, ग्रिड लेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो डिफॉल्ट रूप से मास्टर पेज क्या धारण करता है, डी, ऑल ऑफ द अबव। गाइड्स लेयर भी होती है, डेस्कटॉप लेयर भी होती है, ग्रिड लेयर भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर पेज के अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं, गाइड्स लेयर भी होती है, हमारी डेस्कटॉप लेयर भी होती है और ग्रिड लेयर भी होती है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर पेज से क्या आशय है, वर्चुअल पेज, डॉक्यूमेंट में सभी पृष्ठों के लिए प्रभावी की जाने वाली सूचनाओं को धारण करने वाला पेज, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका सी, एक वर्चुअल पेज होता है जो पेज नहीं होता लेकिन यहाँ पर पेज जैसा दिखाई देता है और जो चीज़ें हर पेज में दिखाई देगी। देखिए हम इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, अगर हम दूसरे पेज में आएंगे तो भी ये यहाँ दिखाई देता है, लेकिन हमने पेज के अंदर ये जो चीज़ें रखी हैं वो दूसरे पेज में दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो चीज़ें रखी हैं वो दूसरे पेज में दिखाई देंगी। यहाँ पर जो हम तीसरे पेज में आते हैं तो ये भी हमको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से मास्टर पेज एक वर्चुअल पेज होता है और डॉक्यूमेंट में सभी पृष्ठों के लिए प्रभाव की जाने वाली सूचनाओं को धारण करने वाला पेज होता है। अगला क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से मास्टर पेज पर स्थित लेयर को नहीं किया जा सकता, डिफ़ॉल्ट लेयर ऑफ मास्टर पेज कैन बी कॉपी, डिलीट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो डिफ़ॉल्ट रूप से मास्टर पेज के अंतर्गत जो लेयर है हम उसको कॉपी पेस्ट या डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नई लेयर क्रिएट करने के लिए टूल्स के अंतर्गत ऑब्जेक्ट मैनेजर में ऑब्जेक्ट मैनेज ऑप्शन, न्यू लेयर टूल्स, ऑब्जेक्ट मैनेजर, न्यू लेयर, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। दोनों तरीके हैं, टूल्स के अंतर्गत ऑब्जेक्ट मैनेजर में भी जाकर के हम नया जोड़ सकते हैं, यह सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। टूल्स में जाइए, ऑप्शन में जाइए, टूल्स में जाइए और यहाँ पर दिया गया टूल्स में, ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ऑब्जेक्ट मैनेजर ऑप्शन के अंतर्गत, टूल्स में, ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ये देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर ऑप्शन के अंतर्गत, और ये दिया गया हमारा न्यू लेयर के लिए और ये दिया गया है मास्टर लेयर के लिए। उस तरीके से दोनों तरीके के द्वारा हम जो है नई लेयर जोड़ सकते हैं।